दिवाली के बाद आंवला नवमी क्यों मनाते हैं? आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। आंवले के पेड़ के पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें विष्णु जी वास करते हैं। 2024 में अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी कब है? अक्षय नवमी आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। ये पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सत्ययुग का आरंभ हुआ था। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 09:01 पर इसका समापन होगा। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्यफल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी अथवा आंवलिया राजा की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे। रानी देख कहते हैं, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालात इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा।
उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।